शर्मीली स्नेहा जी और माता गीता के लाडले अभीक दोनों इस हफ्ते हैं डीआईडी के गब्बर के हवाले। तो गब्बर की शरण में जाने के बाद कैसा है इनका जलवा जानने के लिए जोरदार तालियां हो जाए दिल्ली की स्नेहा जी और रांची के अभी। अभीक स्नेहा जी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। स्नेहा जी कैसा लगा इस बार आपको अभीक के साथ परफॉर्म करके? बहुत अच्छा लगा मुझे अभीक के साथ परफॉर्म करके। बस इतना ही कहेंगे? बाकी अभीक बताएगा कि उसे कितनी डिफिकल्टीज हुई हैं मेरे को लिफ्ट कराने में। एक्चुअली इतनी हल्की है ना इसीलिए बहुत डिफिकल्टी होती है लिफ्ट करने में और मैं भी बहुत यू नो बॉडी बिल्डर हूँ तो इसीलिए और दिक्कत होती है। ओह ये प्रॉब्लम है। क्या बात है। सो वैसे अभी आप हो गीता की गैंग के और आप हो टेंस की टोली की लेकिन कोरियोग्राफी की है मास्टर रेमो ने। सो मास्टर रेमो से ही पूछते हैं। मास्टर रेमो आप बताइए कि सबसे पहले कि आपको इनके साथ काम करके कैसा लगा और कैसा किया इन्होंने? सबसे पहले काम करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि दोनों के कैरेक्टर एकदम डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस डांस वाइज एनर्जी का भंडार स्नेहा जी और ग्रेस का भंडार अभीक। सो दोनों का मेल जो था वो इक्वली साथ में जाना चाहिए था। एंड स्नेहा यू वर फैंटास्टिक अभीक सुपर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मतलब लग रहा था कि कोई जो केमिस्ट्री जो चाहिए थी इस गाने के लिए वो एग्जैक्ट मतलब करेक्ट केमिस्ट्री आप लोगों ने इस मंच पे लेके आया। फैंटास्टिक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सुपर। जो सबसे पहले देखा हमने वो दो शैडोज और दैट वाज द बिगिनिंग और फिर एंड में मिलाप जब इनका हुआ तो वो एक शैडो बन गया। एंड जो कॉन्सेप्ट था आप लोग उसी तरह साथ में आए। एंड अभीक एंड स्नेहा आप बहुत बहुत एक अच्छा और सुंदर कपल जिसको हम कहते हैं। यू ऑल मेक अ वेरी ब्यूटीफुल पेयर टुगेदर।
आराम से. बट ऑनेस्टली ब्यूटिफुल केमिस्ट्री. और स्नेहा जी आप ये पूरे एक्ट में शर्मा शर्मा कर बहुत प्यार से ये पूरा एक्ट किया आपने. ये रूप आपका मैंने कभी नहीं देखा. और बेटा तेरा रूप तो मैं वापस जाके बताऊंगी कि कैसा था. ये रूप मैंने भी आपका कभी नहीं देखा. लेकिन ऐसे क्यों? ये मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे का असर है एक दूसरे पर. एंड आपने वो सारी चीजें की जो रेमो सर हमेशा कम पाते थे आपके दूसरे परफॉर्मेंसेस में. तो आई थिंक दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट बाय इटसेल्फ. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू. यू लुक लवली टुगेदर. व्हाट अ लवली परफॉर्मेंस. थैंक यू मैम. वेरी नाइस परफॉर्मेंस. अभी कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली द हिट एंड मेल्ट मोमेंट्स जो थे ना, क्विक. उसमें बहुत शार्पनेस की जरूरत थी और आप दोनों ने वो कोरियोग्राफिकली बहुत ही अच्छी तरह से किया. सो दैट उतार चढ़ाव मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने वो कायम किया थ्रू आउट द कोरियोग्राफी. स्पेशली जब वो एक सेक्शन आया जब स्नेहा जी और अभीक वो इन एन एम्ब्रेस, ओके, वहां पर जो बात थी स्नेहा जी, मैंने किसी और कंटेस्टेंट, मेरे टीम के कंटेस्टेंट में नहीं देखी है. केमिस्ट्री थोड़ा कुछ ज्यादा ही था ना. हाँ, थोड़ा प्यार ज्यादा था. वो अच्छा करते ही हैं वो परफॉर्मेंस के लिए, बट दिस वाज मोर देन द परफॉर्मेंस. करेक्ट. कुछ है बता दो. शर्मा रही कितनी है देखो स्नेहा जी ने. सबको तो मेरी टीम में भैया भैया बोलती है. मेरे स्टूडियो में तो कुछ ऐसा नो भैया. नो वेरी नाइस. लाइक ग्रैंड मास्टर. लेकिन डांस की बात करूं तो एक जगह मैं जरूर कहूंगा, मैं सबके साथ सहमत हूं. The romance in your eyes, it was really something. It was very romantic act. बहुत दोनों ने बहुत अच्छा किया. अभी के लिए कुछ कहना नहीं है मैडम, आपके लिए जरूर कहूंगा कि yes, you have improved a lot. आप रही दूसरी बात. अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं आपसे कुछ कहूँ वो मेरे पे अभी हक बनता है कि नहीं बनता है. ना दादा. नहीं, आई हेट यू. कुछ बोलना चाहती है? लव यू ग्रैंड मास्टर. ग्रैंड मास्टर हो गए. नचे नहीं भैया तो बोल नहीं सकती. एनीवेज होल एक्ट वाज वेरी वेरी रोमांटिक. क्या बात. क्या बात, किससे बात कर रही हैं आप? अच्छा भैया आप लोग बताओ यार, ये क्या मतलब? मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ. अच्छा चल देहरादून दा पहलवान, ये सच बताइए क्या है, क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या बोलूँ अब? क्या बोलूँ मतलब, सच बोलो. यही सच है कि वहाँ जाके थोड़ी पतली भी लग रही है. उठाया भी नहीं है. तूने कब उठाया? अब रोज सुबह कौन उठाता है? मैं जो जानना चाहता हूँ उसके बारे में बोलो. कुछ ना कुछ तो है दादा, हमने नोटिस किया है बहुत अब हफ्तों से. अब मुझे तू नेक्स्ट टाइम बता देगा? हाँ मैं बताते रहूंगा दादा आपको. भैया ये कमाल चीज है भाई, है ना? और आप दोनों भी कमाल हो. वेरी वेल डन. थैंक यू वेरी मच. आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं रेमो सर से कुछ बोलना चाहती हूँ. मैं रेमो सर को पहले जानती नहीं थी, बट आपके बारे में मैंने बहुत सुना है. फिर जब डीआईडी में आई आपको देखा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. और बहुत ही खुशी है कि आपके पास आने का मौका मिला. ऑडिशन में चाहती थी कि आपके, क्योंकि मेरे को हिप हॉप पसंद है तो मैं चाहती थी कि मैं आपके पास आऊँ, पर कंटेम्प्रेरी सीखने चली गई. वो भी बहुत अच्छा है, पर इस बार आपके पास आई बहुत अच्छा लगा. अगेन कंटेम्प्रेरी सीखा, पर आपसे मिलके और भी कुछ सीखा, वो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. तो चलिए इसी बात पर जोरदार ताली हो जाए अब एक स्नेहा जी के लिए. इंडिया डांस, इंडिया डांस.